दोस्तों मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी अपडेट करूँगा फिर नोटिफिकेशन आपका चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, बिल्कुल फ्री चैनल। तो फिर शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे APJ अब्दुल कलाम की कुंडली के बारे में। उच्च मान के साइंटिस्ट, राजनीति क्षेत्र में अभी तक इनका नाम अगर लिया जाता है दोस्तों, सब बड़े इज्जत से बड़े प्यार से लिया जाता है। कहते हैं 10 लोगों में से 9 लोग करप्ट होते हैं राजनीति में, लेकिन एक इंसान सही होता है, वो है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। क्या है इनकी कुंडली में जो इतने अच्छे प्रवक्ता, इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे साइंटिस्ट बनाते हैं दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनके लगन बनता है दोस्तों कर्क लगन, जो कि जलीय तत्व राशि है दोस्तों। और इनके मून साइन बनते हैं दोस्तों स्कॉर्पियो, मतलब दोस्तों ये भी जलीय तत्व राशि और लगन, जो कि बहुत ही बढ़िया। जब राशि और लगन एक होते हैं या फिर राशि और लगन के तत्व एक होते तो इंसान के बहुत हद तक दोस्तों मेहनत कम हो जाती है दोस्तों। जैसे दोस्तों मोदी जी का भी जलीय तत्व राशि है दोस्तों स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो राशि, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है दोस्तों। ये लोग बहुत ज़्यादा यात्रा करती है दोस्तों, क्योंकि जलीय तत्व राशि होने के कारण इनको बहुत ज़्यादा यात्रा करने पड़ते हैं दोस्तों, तो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन लाता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो पिश्चिक राशि में जाकर चंद्रमा नीच हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मंगल केंद्र में है दोस्तों, जिसके कारण एक नीचभंग राजयोग हो रहा है दोस्तों। अगर आप गौर करेंगे लगन में गुरु है, लगन में जब भी गुरु होता है इंसान को बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान बनाता है, जो भी बोलता है दोस्तों सोच समझ के पकड़ के बोलने वालों में से होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, किताब पढ़ने में यकीन रखता है, हर एक किताब चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो क्रिश्चन धर्म के हो, चाहे वो मुसलमान के धर्म के हो, हर एक चीज़ को पढ़ने जानने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। इनके घर में हमेशा किताब आप पाएंगे जब भी गुरु लगन में होता है। गुरु लगन में होने से लोगों को अच्छे दिल के इंसान भी बनाता है दोस्तों, क्योंकि गुरु को इस तरह की चीज़ें पसंद होता है दोस्तों। गुरु के दोस्तों पास पीछे जा रहे हैं चंद्रमा पे, जो दोस्तों हमारा होता है बुद्धि का, पूर्व पुण्य का, जो यहाँ पर गुरु इनको एक्टिव कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों गुरु की नौवीं दृष्टि जा रहे हैं दोस्तों आपके अपने ही राशि पर, जिसके कारण इनके भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत है। और राहु भी दोस्तों, राहु एक पापक ग्रह है, लेकिन राहु जब भी केंद्र में चला जाता है तो क्या होता है दोस्तों, राहु केंद्र में चला राहु अच्छे परिणाम दे देता है, जिसके कारण दोस्तों राहु की नौवीं दृष्टि मून पर जा रहा है और राहु की पाँचवीं दृष्टि जा रहा है दोस्तों आपके जुपिटर पर, जिसके कारण दोस्तों ये राजनीति में आए। और प्लस दोस्तों शनि सेकेंड हाउस में होने के कारण इनका बहुत अच्छा साइंटिस्ट ही बना है, क्योंकि राहु की नौवीं दृष्टि जा रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं चंद्रमा आप पर, जिसके कारण बहुत अच्छे उच्च मन के साइंटिस्ट बनाए दोस्तों। रॉकेट में जो साइंटिस्ट जरूरत होती है दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से बनाया दोस्तों, क्योंकि राहु इनको मदद किया राजनीति में आने में, राहु इनको मदद किया साइंटिस्ट बनने में। लोग राहु के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं राहु इनके लिए कितना पॉजिटिव वाला काम किया है दोस्तों। शनि सिक्स हाउस में होने के कारण एक कह सकते हैं दोस्तों इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा शत्रु भी क्रिएट हुए, क्योंकि अच्छे काम करने पर बहुत ज़्यादा शत्रु भी क्रिएट होता है, लेकिन दोस्तों शत्रु विनाश भी होता है जब शनि सिक्स हाउस और नाइन हाउस में बहुत बढ़िया फल देता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में शनि एक ऐसा कार्य कर गया जो इनके लिए बहुत ज़्यादा कारीगर साबित हुए दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों हंस योग, क्योंकि गुरु यहाँ पर बेहतर हंस योग बना रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मालव्य योग, क्योंकि शुक्र अपने राशि में स्थित है दोस्तों, तो मालव्य योग मतलब दोस्तों दैत्य गुरु और राक्षस गुरु एक साथ अपने एक उच्च के और एक दोस्तों अपने राशि में, जिसके कारण शुक्र मालामाल कर देते हैं दोस्तों। क्यों मालव्य योग तो मालामाल करने में से होता है, मतलब दोस्तों इनको हर एक चीज़ मिलेगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे पैसा हो, हर एक चीज़ मिलेगा दोस्तों। इनके अली एज में जाते आते इनको हर एक चीज़ मिलेगा दोस्तों। शुक्र ऐसा ही चीज़ है दोस्तों, मतलब शुक्र गजब का फेम देगा दोस्तों। फोर्थ हाउस हमारे जनता का होता है, जिसके कारण इनको जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और गुरु भी दोस्तों राजनीति के एक और एक कारक भी होते हैं, गुरु शनि और दोस्तों यहाँ पर राहु राजनीति के कारक होते हैं। शनि और दोस्तों राजनीति में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, राजनीति के बहुत ज़्यादा पकड़ के बोलने वालों में से होता है कि शनि अच्छी जगह प्लेस हो, शनि सिक्स हाउस में प्लेस हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों बचपन में न्यूज़पेपर में काम करते, न्यूज़पेपर डिलीवरी करते थे, और इसके साथ साथ दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत करके ऊपर आया दोस्तों, अच्छे प्रवक्ता थे। कैसे इनके लिए देखना पड़ेगा आपके थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में दोस्तों यहाँ पर आपके मरकरी उच्च के है दोस्तों। मरकरी जब भी उच्च के होते हैं लेखन आदि कला में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप के इंसान होते हैं। क्यों? क्योंकि
जो बुध है दोस्तों इंटेलिजेंस का कारक होता है, वाणी के कारक होता है, और वहाँ पर सूर्य भी है दोस्तों, बुधादित्य योग बना रहा है, गजकेसरी योग बना रहा है दोस्तों, मालव्य योग दोस्तों, हंस योग, कितने सारे योग हैं इनके कुंडली में अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा। और थर्ड हाउस में दोस्तों केतु भी मौजूद है, तो केतु क्या करेगा दोस्तों, बुध की जो क्वालिटी है वो 5 गुना बढ़ा देगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, बुध की क्वालिटी 5 गुना बढ़ा देगा, जिसके कारण से इतने अच्छे प्रवक्ता, इतने अच्छे लेखक भी बन चुके हैं दोस्तों, इतने बढ़िया साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट मतलब कि हर एक योग है दोस्तों। बुध बढ़िया है, यहाँ पर दोस्तों आपके राहु बढ़िया है, यहाँ पर दोस्तों आपके शुक्र है, इसके साथ साथ दोस्तों आपके जुपिटर, सबसे बढ़िया दोस्तों इनके गजकेसरी योग भी बन रहा है, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में हर एक चीज़ इनको सपोर्ट किया है दोस्तों, इनको आगे बढ़ने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक जाने में दोस्तों। और मंगल फोर्थ हाउस में होने के कारण इतने अच्छे पराक्रम थे, लेकिन दोस्तों इनके मैरिटल लाइफ इतने बढ़िया नहीं थे, कहीं ना कहीं दोस्तों इनको मांगलिक भी बना रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान भी किया है दोस्तों, केतु की पाँच भी केतु की दृष्टि यहाँ पे जा रही है, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसके लिए मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन दोस्तों बाकी सारे चीज़ों में इनके लाइफ में सब कुछ बढ़िया था दोस्तों। केतु की एक ही कमी आ गई दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हर एक चीज़ यहाँ पर बढ़िया मिली है दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों, इनका गण है दोस्तों देवगण, जिसकी वजह से ये लोगों के लिए इतना सोचे, लोगों के लिए इतना काम किए, लोगों के लिए इतना पढ़े, खुद के लिए पढ़ने के साथ लोगों के लिए, लोगों के लिए कैसे अच्छा हो। सबसे बढ़िया बूथ उचके थे, जिसके कारण दोस्तों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचे थे, बच्चों के हर एक हित के लिए सोचे दोस्तों, जिसके वजह से घी होता है। इसके साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठ जाए दोस्तों, यहाँ पर सूर्य या फिर मंगल, तो इंसान को बहुत ज़्यादा फैशनेट बना देता है किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी एक चीज़ पकड़ लिया उस चीज़ को लेकर फैशनेट बना, मतलब करके ही सोनेंगे किसी तरह। आपको पता होगा इंडिया की फास्ट रॉकेट कैसे बनी है, कैसे उसको भेजा गया है दोस्तों, तो आपको अगर स्टोरी पता नहीं है तो पता कर लीजिए। कहीं ना कहीं दोस्तों फोर्थ हाउस पर योग बना रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके लगन स्ट्रांग होने के कारण इनको इतना बढ़िया फ्रेम मिला है दोस्तों, इतने बढ़िया इंसान बने हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह बाकी वीडियो भी देखते हैं।